हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। आप लोग देख सकते हो भाभी जी पोछा लगा रही हैं और आज है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और पोछा भी लगा रही हैं। देखिए पोछा लगाते लगाते अंदर से बाहर तक आ गई हैं और सारे चप्पल जूते सभी देखिए बाहर ही रखे रहते हैं यहाँ पे। अरे स्टैंड गए थे हम लोग एक बार एक जगह मेला में देखने, लेकिन वो स्टैंड मिल नहीं पाया जूते चप्पल का, तो मिल जाएगा तो जूते चप्पल स्थायी रूप से रख दिए जाएंगे। अभी तो सारी चीज़ें ज़्यादातर अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं, कहीं कोई चीज़ इधर पड़ी है तो कोई चीज़ उधर पड़ी है, और गृहस्थी में जब सामान बिखरा हुआ होता है तो अच्छा नहीं लगता है। अगर व्यवस्थित रखा रहे तो ज़्यादा सही रहता है। और ये फर्श आज कनपुरिया भौजी जो है काली फर्श का गोरा कर दे आए, चमका चुमको के एकदम जो है चिकना कर रही हैं, जैसे अपना चिकनी चमेली है वैसे फर्श को भी चिकना और चमेली कर देंगी। और बताइए दोस्तों कमेंट करके आप लोग कैसे हो, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे आप लोग। तुम्हारा काम ये है क्या? हाँ जी, काम बता रहे हैं। काम बता रही है हमको, देखो क्या काम है बताओ भाऊ जी। बता रहे तुम्हारा ब्लॉग बनाने के बाद दिए में बाती नहीं लगाई जाती। बाती बना दिए में बाती बनाए, बाती बनाओ भाई। बाती बना देंगे, बाती बनाने का काम करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद हाँ जी पूजा पाठ, पूजा पाठ की तैयारी होगी बस। और दीपावली में क्या होता है, मार्केट गए थे सामान वामान दिलवा के लाए। कमेंट में बताना आप लोगों ने कौन तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। हमारे यहाँ तो भैया 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जा रही है, वही तो 2 दिन की है। कल भी दिया जलाया जाएगा, लेकिन गणेश पूजन जो है 31 अक्टूबर यानी कि आज का रखा जाएगा। तो हो गया तुम्हारा काम भाभी जी, तुम ऊपर बैठो जरा। किसके? अरे यहाँ से उठकर थोड़ा ऊपर हो जा। हम कहीं घोड़ा बन रही तो ऊपर बैठा रही हो, आज का आगमन आ गया सवारी करवाने का। तुमने कहा तो आज तो हमारी किस्मत खुल जाएगी, हम कोई घोड़क सवारी कर लेगी। अच्छा जब छोटे थे तो हम भी इसे घोड़ा बनते थे, छोटे छोटे बच्चों को खिलाते थे। हम थोड़ा बड़े थे और जैसे छोटे हुआ करते थे एक मोहल्ले में, तो उनको टांग के घोड़ा घोड़ा खेलते थे। तो एक समय था बहुत अच्छा लगता था, तो वही हमको भी ध्यान आ गया, हमको भी बैठा लोगे क्या? अरे भाई ऐसा नहीं। तो फिर ये देखो दीपक दिया लाए थे, तो ये पानी में डाल के रख दिए, बालू मिट्टी लगी थी तो हमने कहा इसको धो दो। नहीं वैसे धुल के ही जला जाए, धो कर इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा पाठ का काम वैसे भी साफ सफाई का रहता नहीं, है नहीं क्यों बताए वो अलग बात है, इसलिए और कर जाते हैं कि जो सूखे होते हैं उसमें तेल डालोगे तो पूरा तेल सोख जाएगा, तेल तुरंत सोख जाएगा। थोड़ी देर अगर उसमें डाल दो पानी में तो तेल जो है तेल नहीं सोखता, तेल फिर जो है कम सोखता है, ये इसीलिए जरूरत बढ़कर रहता है इसीलिए। तो देखते देखते इनका पोछा तो लगभग कंप्लीट हो गया है, और इसे जल्दी जल्दी पोछा लगाओ फ्रेंड, टाइम बिल्कुल ना है, खाना पीना सोचे क्या बनाना है क्या नहीं। अभी खाना भी बनाना है, फिर शाम को पूजा की भी तैयारी करनी है, बहुत सारे काम है, काम काम काम। अब चमका है फर्श में चमक आ गई है, आओ इधर आओ। और भाभी जी भी चमक रही हैं, सामने आओ सामने आओ, इधर ठीक है जी ना। तो बहू जी जल्दी जल्दी काम निपटाओ, वह तुम्हारा कितना काम बकाया रहेगा है, जल्दी करो फिर दूसरा काम बताते हैं तुमको। अच्छा मतलब ये बताओ तुम। अच्छा तो अबे तुम बाथरूम में घुस ही पड़ी हो, हाथ धो लो, ये बात सही है, पोंछा लगाने के बाद हाथ तो धुलना जरूरी रहता है, हाथ पैर नहीं धुलेंगे बिल्कुल। चलो
चलो भैया हम तो चलने के लिए तैयार ही हैं। कहाँ ले चलियो हमका, चलो ले करके चलते हैं। हम भी आ गए भौजी के पीछे पीछे। बिना भौजी पीछे रहने से फायदा रहता है, ब्लॉग कंप्लीट हो जाता है। उनसे कंप्लीट नहीं हो पाता, बाहर से अंदर तक आ गए हैं। अब मुझे बहुत तेज लगी है। का क्या लगी बताओ? प्यास। प्यास लगी है कि खवास लगी है? भूख भी लगी है। लगी बहुत तेज प्यास लगी। रोड पर गई थी हमारे साथ में, बताया नहीं कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना। हम लोग खरीदारी में लगे रहे तो हम ध्यान ही नहीं दिया। आज सब वही बिक्री हो रही है, पूजा पाठ, मतलब खरीदारी कम है ना, फूल माला पूजा पाठ मलैया लैया डेलिया दिया यही सब बिक्री हो रही है, बाकी और चीज ज्यादा बिक नहीं रही। तो हमने बताओ शाम को खाना जो खाओ वही बन जाएगा। पकड़ो, पकड़ लिए ले, पकड़ लिया। हमने इनको कैमरा फ्रेंड ये वाली पिस्टिंग मेरी कैसी लग रही बताओ, कमेंट करके कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड इनको लिपस्टिक कैसी लग रही है? अब तुमका छोड़न वाले क्यूट लग रही है कि नहीं लग रही है? फ्रेंड्स तो इनको हम छोड़ के जाने वाले हैं, हमको काहे छोड़ दो एक महीना के लिए। देखो भैया ये हमको धमकी देती हैं, कहती हैं हम तुमको छोड़ देंगे, तो हमने कहा एक महीने के लिए अब हम जाने वाले हैं अपने मायका। नहीं ऐसा नहीं करने देंगे। तो भैया हमारे जो सामान था ना पूजा पाठ वाला, दीपावली वाले दिन ही क्यों लिया गया ये भी बताते हैं हम, क्योंकि ये लेन जा नहीं रहे थे। ये हमने कहा पिछले साल एक साथ में गए थे दोनों लोग, तो इस बार भी साथ में चलो ना। तो हमने कहा हम मायके चले जाएंगे, तो इसीलिए हमने एक मकान लेके चले, तुम मायके चली जाए तो हम सामान कुछ नहीं लाएंगे। दीपावली का त्योहार अगर साथ में अगर मिल करके ना मनाया जाए तो फिर क्या फायदा, हम अकेले जाते जितना ये ले आई ना उतना हम लाभ ही नहीं पाते। लिख के ले जाते ना फिर भी हम घूमते रहते हैं एक घंटे, और ये अपना अपने कायदे से मोल भाव भी कर लेती हैं, तो उस हिसाब से जो ले आते हैं। अच्छा हाँ जी, ये पानी पी लो, पकड़ो बहुत तेज प्यास लगी हमें। प्यास लगी आई का। अच्छा पकड़ो फ्रेंड, बाजार से फ्रेंड आए साड़ी उतार के, हम तुरंत मतलब कौन सा लगाने रहे। जैसे बाजार से आई भैया इन्होंने साड़ी उतार के फेंक दी, अब लोग भी नहीं होने पाया, फिर उसके बाद इन्होंने पोछा शुरू कर दिया, तो हमने सोचा कि चलो भैया जो मिल रहा है उसी को एक्सेप्ट करो, फिर उसी में ब्लॉग बनाए। उस चैनल के लिए भी बनाया है, रानी सोनू के लिए भी बनाया, ऑफिशियल चैनल के लिए भी ब्लॉग, पोछे का ब्लॉग बना के बनाया है हमने, और इस पर भी आप लोगों के लिए बनाया है। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आप लोगों को त्यौहार खुशियों भरा रहे आप लोगों का, आपके लिए शुभ हो। पीले येलो कंगन और रेड चूड़ी फ्रेंड कैसी लग रही बताना? पीले कंगन रेड चूड़ी अच्छे लग, ये अभी अभी पहना के लाए इनको हम बाजार से, ये कहाँ लगे चलो चूड़ी पहना दन, तो हमने कहा ठीक है चलो पहन लो। भाई तो रखी रहती है चूड़ी, लेकिन हमने कहा छोटी छोटी चूड़ी देना था प्लेन वाली, ये नहीं थी। ठीक है फ्रेंड आज के ब्लॉग यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। हो सकता है आपको दीपावली वाला पूजा वाला सब दिखाएं आपको, अगर टाइम जैसा भी मिलता है। ठीक है, बाय 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 बाय।